हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अराउंड 12 हुए होंगे और मैं आई हूँ बाहर। नहा धो के पूजा मैंने कर ली है, आज कपड़े धो दिए थे क्योंकि धूप निकली थी कई दिन बाद, और इसके बाद फिर से मौसम जो है वो ख़राब होने वाला है। तो सुबह ही आज मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी और आज डार्क कलर के कपड़े मैंने धुले हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि वाइट कपड़े किस तरह से आप वाइट रखते हो, तो मेरा लॉन्ड्री रूटीन का एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था और वो बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हों वो देख सकते हैं। क्योंकि कई बार सवाल आते हैं लाइक वाइट कपड़े जो हैं वो इतने ज़्यादा चमकदार नहीं रहते हैं, तो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको हिलती हुई पैग्स दिखाई दे रही होंगी क्योंकि तूफान है, लाइक हवा बहुत ज़्यादा तेज है। प्रॉपर तो मैं नहीं बताऊंगी कि हाँ बिल्कुल इतना ज़्यादा तूफान है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो बहुत हवा चल रही थी उस दिन। पर यह है कि धूप निकली हुई थी तो कपड़े सूख ही गए शाम तक। और कपड़े फैलाकर फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर लंच की तैयारी करेंगे, झटपट से जो लंच बन जाता है, बहुत इजी रेसिपी है और आप फटाफट 10-15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा लंच है वो विद इन 30 मिनट बन के तैयार होगा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं जब किचन में ज़्यादा काम करने का मन ना हो, तो ये रेसिपीज़ बेस्ट हैं। तो थोड़ी बहुत तैयारी मैंने यहाँ पे पहले से कर ली है, आटा वगैरह निकाल लिया है, तो बस अब मैं फटाफट सारी चीज़ें बनाने में लग जाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको सब्जी की तैयारी दिखा देती हूँ। तो पैन मैंने चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम डाल देंगे खूब सारा हींग। हींग बहुत ज़रूरी है सब्जी के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच राई और साथ ही डाल देंगे 1 हरी मिर्च मोटी मोटी काट के, चाहे तो आप बारीक काट के डाल सकते हैं, बट बच्चे घर में होते हैं तो थोड़ा मोटा ही साइज डालें तो एटलीस्ट वो दिख जाए और उनके मुंह में ना जाए। इसके बाद यहाँ पर एक ऑरेंज कैप्सिकम थी मेरे पास, शिमला मिर्च और एक बिग साइज़ की अनियन, ये मैंने थिनली स्लाइस करके पहले ही रख लिए थे और इनको मैं एक साथ ऐड कर दूंगी। और इसको बस हमें अब फ्राई कर लेना है, और हीट जो है वो आपको मीडियम नहीं रखनी है, लाइक मीडियम टू हाई रखनी है ताकि इनके अंदर थोड़ा सा क्रंच रहे और ये गले ना, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गल जाए, बस हल्की सी भुनी हुई हमें रखनी है। इसके बाद नॉर्मल रूटीन के जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, वो आप ऐड कर दें और उनको बिल्कुल कपल ऑफ सेकंड के लिए हमें यहाँ पर सॉटे कर लेना है। लगभग 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर ऐड की है जिनको मैंने पहले से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो उबली हुई मटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बिल्कुल छोटे साइज़ की मेरे पास कैबेज थी, बंद गोभी जिसको मैंने श्रेड करके रख लिया था, ग्रेट लिया था, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और कैबेज को ग्रेट करने के बाद मैंने नमक के पानी में थोड़ी देर डाल के छोड़ दिया था ताकि जितना भी पेस्टिसाइड्स हो वो निकल जाए उसका, और उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया बिल्कुल अच्छे से ड्रेन करके। साथ ही सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और सारी चीज़ें बस गई है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर आप इसके अंदर डाल दें ताकि खट्टापन आ जाए, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह बिल्कुल नहीं जाता है, और झटपट बनने वाली इतनी अच्छी सब्जी बनती है ना कि बहुत टेस्टी, लाइक नाश्ते में तो ये बहुत अच्छी है, आप इसको सैंडविच में भी फिल कर सकते हैं चाहें तो, और किसी भी दाल वगैरह के साथ एज अ साइड डिश भी ये बहुत अच्छी जाती है। तो इंटायरली अप टू यू, जैसे आप चाहें उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको कवर करके रख दें। नाउ यू नीड टू डू द मीडियम हीट और इसको 2-4 मिनट के लिए रख छोड़ें, बीच बीच में चलाते रहें कहीं ऐसा ना हो कि लग जाए। और यहाँ पर मैंने आटा लिया था, इसमें मैंने बराबर बराबर क्वांटिटी का व्हीट फ्लार और मिक्सड फ्लार जो मल्टीग्रेन मिस्सा आटा होता है वो लिया था। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं यहाँ पर इसका नॉर्मल सा आटा बना के तैयार करूँगी जिसके हम टेस्टी से रोटी
रोटी पराठे बना सकते हैं। तो जब आप मैनुअल डो नीडर में डालें तो पानी एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि आपको मैनुअली इसको चलाना होता है। और इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक मुझसे कढ़ाई के बारे में पूछा जाता है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये आपने कहाँ से लिया, तो मैंने ऑलरेडी उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें वीडियो से रिलेटेड जिन चीज़ों के मैं नाम लेती हूँ उन सब के लिंक वहाँ पर होते हैं। लाइक कोई रिलेटेड वीडियो हुई या रिलेटेड प्रोडक्ट हुआ तो सब होते हैं वहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ का फिर रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन की हुई हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पर चेक कर लें। और यहाँ पर सब्ज़ी जो है हमारी वो देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गई है, और इसको बहुत ज़्यादा हमको नहीं गलाना है, इसको हमें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, एट लास्ट आप इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा गर्म मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी आने लगती है। और ये वो सब्ज़ी है जिसमें आपको कैबेज की ऐसी महक नहीं आएगी, अदरवाइज़ कैबेज जब पकती है घर में तो पूरे घर में अजीब सी महक हो जाती है, इस सब्ज़ी में ऐसा नहीं होगा। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है, और अब हम यहाँ पर रायता बना लेते हैं इसके साथ सर्व करने के लिए, क्योंकि मैं दाल वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ। तो ये घर की जमी हुई दही है, और दही भी कैसे जमाते हैं उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ आप चेक करें ज़रूर, क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। आज मैं दो बार बोल चुकी हूँ क्योंकि बार बार वही चीज़ें आती हैं, मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ बट स्टिल आई गेट दोज क्वेश्चन। तो यहाँ पर दही को मैंने बिल्कुल अच्छे से फैट लिया है, फिर थोड़ा सा हींग मैंने ऐड किया है उसके अंदर, और साथ ही ये है रायता मसाला। रायता मसाला कैसे बनाते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा पुदीना बारीक काट के रखा हुआ था, और साथ ही खीरा है ये जिसके मैंने चंक्स काटे हुए हैं, ग्रेट नहीं किया है। साथ ही आप इसमें डाल दें थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी शुगर, शुगर जाती है इसके अंदर। और आप इस रायते को जब बनाएंगे तो जो कसा हुआ रायता होता है कुकम्बर के साथ का, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, तो चीज़ों के काटने घिसने से ही चीज़ों के टेस्ट बदल जाते हैं। तो ये रायता आप ज़रूर ट्राई करें। और रायता तैयार हो गया, सब्जी तैयार हो गई है, बस यहाँ पर मुझे फुलके बनाने हैं, तो बस मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना के तैयार करती हूँ। तो बहुत हेल्दी रोटी है आज की, जिस दिन मुझे ये होता है कि हाँ सिर्फ मैं अपनी ही बना रही हूँ तो उस दिन मैं सिर्फ मिस्से आटे की बनाती हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं लाइक हस्बैंड और बेटी ये प्रॉपर मिस्से आटे की, क्योंकि इनको सख्त लगती हैं थोड़ी, तो फिर मैं थोड़ी चालाकी करके मिक्स करके बना देती हूँ ताकि ये लोग मल्टीग्रेन भी खा ले, तो मैं आधा आधा ले लेती हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छी बन जाती है और हेल्दी रोटी तैयार होती है। तो एक एक रोटी जो है वो मैं बेल के डालती रहूँगी और साथ साथ उसको फुलाती रहूँगी। तो यहाँ पर बस रोटियाँ भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली हैं, और रोटी की भी एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पर कि आप किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट रोटी फूली फूली बना सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आता है कि दीपिका आपकी रोटी बहुत फूल जाती है हमारी नहीं फूलती है, तो मैंने ऑलरेडी वो शेयर की हुई है, तो वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारी आज की टेस्टी सी लंच थाली जो बहुत जल्दी बन के तैयार हुई है और बहुत टेस्टी है। तो ये है हमारी कैबेज प्याज वाली सब्जी मटर के साथ, और साथ है ये चटनी टमाटर प्याज की, मिस्सी रोटी, और साथ में हमारा कुकम्बर मिंट वाला रायता जो सच में बड़ा टेस्टी है, एंड दिस इज सुपर कॉम्बो, मस्ट ट्राई। और नीचे का सारा काम निपटाने के बाद हमने थोड़ी बहुत देर लाइक टीवी देखा, किचन वगैरह सब कुछ मेरी क्लीन है, और बस अब मैं आई हूँ ऊपर। अब ये है मेरा थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग टाइम, ये टाइम मैं अपने आप को देती हूँ, या तो कभी मैं कोई फेस पैक लगा लेती हूँ या मैनिक्योर पेडिक्योर कुछ भी होता है। लाइक ये लोग अब घर में हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है कि आप थोड़ा बहुत टाइम अपने आप को भी दे सकते हैं जब कोई सेट इस तरह का रूटीन नहीं होता है।
तो आजकल जो है वो बेटी की फरमाइश पर मुझे नेल पेंट चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि उसको नेल पेंट लगाना आ गया है। तो अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो वो लेकर बैठ जाती है कि लाओ मम्मा मैं लगाऊँ। तो आजकल हमारा जो है वो नेल पेंट का सीज़न चल रहा है घर में। तो ये मेरा नेल पॉलिश रिमूवर है, ये मैंने पाउंडलैंड से लिया था, बहुत अच्छा है। हल्का सा बस आप डैब करें और एकदम से क्लीन कर देता है, बहुत अच्छा रहता है ये वाला। यहाँ के मैंने बस यही ट्राई किया, नहीं तो इंडिया में तो वो कांच की शीशी में मिलता था छोटा सा एक, और उसको बड़ा रगड़ना पड़ता था। आज का तो पता नहीं क्योंकि इंडिया छोड़े 10 साल हो गए हैं, तो मेरी जितने भी यादें हैं इंडिया की वो 10 साल पहले की हैं। पर यह है कि दुनिया बहुत बदल गई है, 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। बट मेरे लिए इंडिया अभी भी वैसा ही है जैसा वो 10 साल पहले था, मेरी वही सारी यादें हैं एंड आई लव दोज थिंग्स। तो चलिए बातें करते करते यहाँ पर मैं अपना नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, और ये वाला नेल पेंट मैं आपको दिखा दूँगी कि कौन सा है। और बहुत ज़्यादा है नहीं, किसी ने पूछा था मुझसे कि अपना नेल पेंट का आप कलेक्शन दिखाएं, तो मेरे पास हार्डली 5-6 नेल पॉलिश होंगी, उससे ज़्यादा नहीं है। कुछ ग्लिटर है मेरे पास, आई थिंक 2 या 3 ग्लिटर्स हैं, बाकी जो कलर्स होते हैं वो मुश्किल से 4-5 होंगे, और वो भी मुझे देखने पड़ेंगे कहीं सूख तो नहीं गए हैं क्योंकि मैं इतना नेल पेंट लगाती नहीं हूँ। तो ये है नेल पॉलिश, और ये भी मुझे जो है मेरी एक दी है, उन्होंने भेजी थी आई थिंक होली पे या होली से पहले, जब मैंने सामान मंगाया था थोड़ा बहुत। और ये आपने देख लिया होगा, मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड था, मैं एक बार देख लूँगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो नेल पेंट लग गया मेरा और शाम हो चुकी है यहाँ पे, मैं आ गई हूँ बाहर घूमी घूमी करने के लिए। जितना भी टाइम मिलता है ना, दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम पे मैं वॉक करूँ, और मौसम देखो, ओह माय गॉड, इतना क्लियर हो गया ना स्काई, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल प्यारा सा। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है ना कि मैं किसी काम से फारिग हुई हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मैं बैठूँगी, तो बैठकर टीवी देखने से या फिर ये कि आप मोबाइल में लग जाते हैं, उससे बेटर है कि मैं अपने आप को यही सोचती हूँ कि मैं बाहर आकर जो है ना वो खड़ी हो जाऊँ, और यहाँ आकर जो है वो नेचर को देखूँ थोड़ी बहुत देर, या फिर मैं वॉक करना शुरू कर देती हूँ तो थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं, अदरवाइज़ कहाँ टाइम मिलता है। तो बहुत देर मोबाइल, लाइक टीवी हम लोग देख चुके थे जितना आज का देखना था, तो अब मैं बैठ के फिर वही है कि मोबाइल निहारती रहूँगी, इधर से उधर कुछ करती रहूँगी उसमें, तो इट इज़ बेटर कि वॉक करें। तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि दिन में जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिले, अगर आप काम से फारिग हो, आपको सोने का ना हो, तो जितना भी टाइम हो आप बाहर निकलें, अपनी छत पर जाएँ, बालकनी में जाएँ, थोड़ी बहुत देर आप वॉक करें। और शाम होते होते यहाँ पर अब मैंने संध्या पाती भी कर दी है, दिया जला दिया है, पूजा हो गई है मेरी, और इसके बाद मैं फिर से किचन में आई हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ नान खताई। और बहुत इजी होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं, आप घर पे बना सकते हैं, और इनको आप विदाउट अवन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पिज्ज़ा की आपको रेसिपी दिखाई थी कि बिना अवन के आप पिज्ज़ा बेक कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको सेटअप करना है, और ट्रे जो है वो आपको पॉट में रख देनी है, और उनको आपको लाइक 25 मिनट लगते हैं अगर आप पॉट में बेक करते हैं, अवन में 14 से 15 मिनट में ये डन हो जाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इनको कढ़ाई में पैन में भी बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको मेरी वो पिज्ज़ा वाली जो रेसिपी है, वीडियो है, वो देखनी पड़ेगी, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी। और अभी मुझे देखना पड़ेगा मुझे कितनी वीडियोज़ के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने हैं। चलिए ध्यान रखूंगी और ध्यान से डाल दूंगी सारी। तो चलिए नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप बटर लिया है जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, गरम नहीं करना है, बस मेल्टेड लेना है। इसके बाद 1/2 कप मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को, लेकिन दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से विस्क कर लेना है कि जो शुगर है वो अच्छे से इसके अंदर डिजोल्व हो जाए, लंप ना रहे, और ये थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाए, आपको इसको क्रीमी बना लेना है। ट्रेडिशनली जो है इसके अंदर घी का यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे घी की थोड़ी सी स्मेल आती है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ का जो घी है, आप बटर का घर पे भी बना लें तो थोड़ा सा उसमें टेस्ट में डिफरेंस है। तो मैं घी की ये नहीं बनाती हूँ, एक बार ट्राई की थी तब से फिर मैं बटर की ही बनाने लगी हूँ। और बिल्कुल 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है। इसके बाद मैं इसको विस्क कर रही हूँ, और 3 से 4 मिनट आपको इसको विस्क करना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट सा हो जाएगा, और बिल्कुल फ्लफी सा यहाँ पर मिक्सचर तैयार हो जाएगा।
इसके बाद आपको इसके अंदर डालनी है हाफ कप सूजी सेमोलिना या रवा, जो भी आप बोलते हैं। हाफ कप डालना है बेसन चिकपी फ्लावर और इसके बाद डालना है हाफ कप आटा। ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और साथ ही जाएगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, तो मैं यहाँ पे लाइक 1 टीस्पून के करीब होगा। तो इतनी इजी इसकी मेजरमेंट के सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो आधा आधा कप जाएंगी, लाइक आधा कप बटर जाएगा, आधा कप शुगर जाएगी, आधा कप सूजी जाएगी, आधा कप बेसन और आधा कप ही जाएगा इसके अंदर आटा। तो बिल्कुल आसान है, लेकिन चीनी जो है ना वो आप थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते, लाइक मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा तो ना करें लेकिन आप चाहें तो कम कर सकते हैं। इससे ये प्रॉपर बेकरी वाली जो वो मीठी मीठी बनती है ना वही बनती है, बाकी आप थोड़ी सी शुगर कम भी कर सकते हैं। और मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, तो बस अभी लेकर आई हूँ। और इलायची पाउडर डाल के आपको इसको नीड कर लेना है बिल्कुल, आपको और किसी लिक्विड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने बटर में और उस 1 टेबलस्पून दूध में ये बहुत अच्छे से मॉइस्ट सा जो आपका आटा है ये इसका बन के तैयार हो जाता है। बस अच्छे से आप इसको नीड कर लें। तो देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। अवन मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, ट्रे मैंने निकाल ली है, कोई बेकिंग पेपर कोई ग्रीस करने की आपको कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी के अंदर इतना बटर होता है कि ये बिल्कुल नहीं चिपकती है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप मिक्सचर लें और छोटी छोटी गोल गोल पेड़ी बना के आप रखते जाएं, थोड़े से डिस्टेंस पे रखें क्योंकि ये फिर फूलती हैं। तो अगर आप बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रख देंगे इनको तो फिर ये एक दूसरे से मिल जाएंगी और ये इतनी अच्छी राउंड नहीं बनेंगी। तो बीच में आपको इनके गैप रखना है जितना मैं दिखा रही हूँ। तो बस बना के और हल्का सा फ्लैट कर देना है आपको, बाकी साइज़ अपने ऊपर है। मैं बिल्कुल वही साइज़ बना रही हूँ जैसे हमारे यहाँ देवबंद में बेकरी में मिला करता था। तो चलिए यहाँ पर सारी की सारी नान खताई हम बना लेते हैं। और ट्रेडिशनल एक याद है एक ये पुराने दिनों की, और मज़ेदार बात यह है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे नान खताई शब्द याद नहीं रहता था, तो मैं मम्मी से बोलती थी मम्मी हातिम ताई दे दो, और घर में सब लोग इतने हंसते थे ना सुन के कि क्या बोलती है लड़की। तो बहुत सी बचपन की ऐसी चीज़ें होती है ना जो आप बोल नहीं पाते और आप कुछ और ही बोलते हो, लाइक पजामी पजामा जो है वो मैं जमानी और जमाना बोलती थी, सेम विद माय डॉटर, उसको भी पजामी और पजामा बोलना बहुत दिनों बाद आया, वो भी जमानी और जमाना ही बोलती थी। तो चलिए कितनी सारी बातें बता दी मैंने। यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था, और इन सारी नान खताई के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी। तो नान खटाई डन है, इनको हम रख देंगे अब अवन में, और 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको 14-15 मिनट के लिए इनको बेक करना है। बीच में आप देख लें और मिडिल शेल्फ में आपको रखना है, टॉप पर नहीं रखना है, बॉटम में नहीं रखना है, मिडिल में रखना है, तभी अच्छे से होंगी। और देखिए ये कितनी अच्छी से फूलने लगी हैं, जितना हमने गैप रखा था बिल्कुल परफेक्ट था वो। और 15 मिनट्स के बाद आप इनको निकाल कर बाहर रख दें और इनको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, और ठंडा होने के बाद आप इनको उनकी जगह से हटाएं। मैंने थोड़ा जल्दी ही किया है, तो हल्का सा आप इनको इस तरह से मूव कर दें ताकि थोड़ी सी एयर जो है वो इनके नीचे से निकल जाए, तो हल्का सा ही टिल्ट करना है आपको। और ये देखिए कितनी अच्छी ये सिकी है, कितनी अच्छी जालीदार ये हो गई है, और वो है जो मैंने थोड़ा दबाव लगा के कर दिया, थोड़ी सी टूटी है, बाकी ये बिल्कुल अच्छे से सिक गई हैं। इनको फिर मैं इस तरह से लगा दूंगी ताकि इनके नीचे से स्टीम जो है वो निकल जाए, नहीं तो फिर ये सॉगी हो जाती हैं क्योंकि गर्म रहती ही हैं ये। तो इनको इस तरह से आप लगा दें ताकि अच्छे से स्टीम निकल जाए और ये बहुत जल्दी क्रंची हो जाए। जिस टाइम आप ओवन से निकालते हैं ना तो थोड़ी सॉफ्ट सी लगती हैं ये, तो एकदम ये ना सोचें कि ये तो सॉफ्ट बनी और दोबारा आप ओवन में दें। जब ये बाहर होकर ठंडी रहेंगी ना थोड़ी बहुत देर, तब ये अपने आप क्रंची हो जाएंगी। तो आप इनको दोबारा ओवन में बिल्कुल ना डालें, इनको 10 मिनट बाहर हवा में रहने दें, और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल क्रंची हो गई है। और देखिए कोई कह सकता है कि बिना एग की ये नान खटाई बन के तैयार हुई है, और बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इनको आप
बिस्किट, कुकी, नान खटाई, जो चाहें आप वो बोल सकते हैं। और नान खटाई की एक और भी रेसिपी होती है, वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल जो है वो होम बेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। बट नाउ आप ये बना सकते हैं और बिना ओवन के भी बना सकते हैं। उसके लिए आप नो ओवन वाली जो रेसिपी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वो आप फॉलो करें। सो दिस इज़ नान खटाई, ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना ज़रूर कि आपकी कैसी बनी। और यहाँ देख के किस किस का मन कर रहा है कि बस अभी उठा के इनको खा लिया जाए, है ना सुपर टेस्टी। पीस बन गई है, नान खटाई बन गई है और सच में बहुत टेस्टी है। नाउ जस्ट लुक क्रंच। किस किस को जेलसी फील, बना लेना, बहुत इजी है। मैं अपने खा रही हूँ, मीठा हो जाएगा। डिनर के लिए बनाई है खिचड़ी, काली दाल की खिचड़ी, ये दोनों ही खाएंगे और मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ हल्दी वाला दूध पी के सो जाऊंगी। बिल्कुल थोड़ी सी कढ़ी भी रखी हुई है कल की, तो अगर इन्होंने खाई तो ठीक, नहीं तो फिर फ्रिज में रख दूंगी, मैंने निकाल ली थी। ये भी काम ही कर रहे हैं, आज इनके सिर में दर्द हो रहा था। लाइक वी आर लाइक राम मिलाए जोड़ी, एक कंधा एक कोड़ी। मुझे साइनस की वजह से इतना सिर में दर्द रहता है, इनको माइग्रेन की वजह से रहता है, तो आज सुबह से इनका माइग्रेन का है। तो अब वैसे तो सही है, लेकिन थोड़ा ना दुखन हो रही है इनको सर में, तो फिर खिचड़ी बनाई है। मुझे भी नहीं खाना था, अभी कभी कम ही मन था, दोपहर इन्होंने अच्छे से छक छक के खा लिया था, तो खिचड़ी बन गई है। अदवी अभी बैठ के जो है खा ही रही है, मैं दिखा देती हूँ आपको। शोना यहाँ बैठ के खा रही है, हेलो। और शामना स्नैक खाते हुए दूध के साथ, एकदम से उसका नीचे वाला दांत ऊपर वाले दांत पे लगा, दांत वो हिल ही रहा था उसका, इतना खून आया, और रो रही थी बेचारी, परेशान हो गई थी। देखो कब टूटे, थोड़ा बहुत ही रह रहा है, मतलब बिल्कुल जरा सा ही लगा हुआ है, पर वो है कि वो निकालने नहीं देती है। वही खाते हुए फिर थोड़ा बहुत, अब कुकी बन गया, उसका मन है खाने का, लेकिन वो सामने वाले दांत से टूटता नहीं, वो इधर से करती है, तो उसे दिक्कत हो रही है खाने पीने में आज का। चले देखते हैं कब तक होता है। कैसा लगा आज का व्लॉग, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी बताऊँ, सिंपल सिंपल सी चीज़ें दिखाई हैं। बच्चों के लिए ना इस तरह के बना के रखो, मैं मोस्टली कुकीज़ जो है ना, जो मैं अदवी को देती हूँ, बना के रखती हूँ, मैं कम ही खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती। सुबह के टाइम ये बस चाय के साथ बिस्किट ले लिया या रस्क ले लिया, जो मैं रस्क भी हर भी बनाती हूँ, तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। एंड मेरे चैनल का ना रिकॉर्ड टूट गया है, आप लोग भी देखना, प्रूफ है। पिछले 2 या 3 हफ्ते की आप वीडियो निकाल के देखेंगे ना, किसी भी वीडियो में आलू की रेसिपी नहीं है। हैट्स ऑफ टू दीपिका। तो जिन लोगों को बड़ा एतराज़ होता था ना, बस आलू ही आलू खाती हूँ, आलू खा के आलू जैसी हो गई, वो तो मैं वैसे भी बोलती हूँ, आलू खा के आलू जैसी हो गई हूँ और हमेशा से आलू खाए हैं, बट अब उन लोगों को शायद रिलीफ मिले, शायद उन लोगों को थोड़ी तसल्ली मिले, क्योंकि वो लोग आके मुझे बहुत कुछ बोलते थे, तो शायद उनको थोड़ी बहुत खुशी मिले कि दीपिका के चैनल पे अब पिछले 2-3 हफ्ते से आलू की कोई रेसिपी, लाइक 2 हफ्ते तो शॉर्ट शॉर्ट है, 3 हफ्ते आई डोंट नो, लेकिन हाँ 2 हफ्ते तो शॉर्ट शॉर्ट है। पिछले 2 हफ्ते की आप देखेंगे ना, तो कोई आलू की रेसिपी नहीं है उसमें। देखा, रिकॉर्ड तोड़ दिया दीपिका ने, बुराई तोड़ना है यार। लाइक फ्राइड आलू खाने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप आयुर्वेद में इन जगह जाके देखने लगे, आप बॉयल्ड आलू खा रहे हो, उसमें कोई हार्म नहीं। ठीक है, कार्ब्स होते हैं, डेली बेसिस पर अगर आप खूब सारे आलू खाओगे तो प्रॉब्लम होती है, बट लाइक हमारे खाने पीने ऐसे हैं ना कि मोस्टली सब्जी आलू डल के ही बनती है। अब अगर आलू की टिक्की बनेगी तो उसमें आलू डलेगा ही डलेगा, ठीक है, आलू के पराठे हैं तो वो आलू से ही बनेंगे, वो भिंडी से तो बनेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ यही है, आलू बैंगन, आलू टमाटर, आलू मटर, आलू गोभी, तो लाइक एक आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में जाती ही जाती है, बट स्टिल नहीं बनाया, कल ही बनाऊंगी। कल आलू गाजर बनेंगे, हाँ आलू गाजर।
तो आलू जाता ही जाता है। फ्राई लाइक आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाते हो ना, आलू तल तल के खाते हो तो प्रॉब्लम होती है। चलिए खूब सारी बातें हो गई, मैं देखूँ सोना को खा रहे बेटा, फिनिश डू वन मोर थोड़े से क्या? चलो देंगे, अभी आ रही है मम्मा वीडियो फिनिश करके, ठीक है बेटा बहुत दर्द हुआ दांत में। चलिए तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए और कुकिंग की शॉर्ट वीडियोज़ के लिए, क्योंकि जब मैं आके ऐसे बात करती हूँ कुछ लोगों को बोर फील होता है, कुछ लोगों को लगता है बक 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 करती है, तो जिन लोगों को बक बक पसंद है वो तो देखते ही रहो, और जिन लोगों को लगता है कि बस कुकिंग से ही हमको टू द पॉइंट चाहिए वो प्लीज़ मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, आपको निराशा नहीं होगी वहाँ पे। और ये देखो लड़की की कारस्तानियाँ मेरा छोना। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।